शुरुआत करेंगे HDFC बैंक के नतीजों के बाद जो ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज आए हैं. क्रेडिट स्विस से शुरुआत करते हैं. आउट परफॉर्म की रेटिंग यहां पर बरकरार रखी है और लक्ष्य दिया है 1360 का. उनका मानना है कि लोन ग्रोथ जो रही है वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन रही है और खासतौर पर कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से आगे जाते हुए भी ग्रोथ को एक फ्यूल मिलेगा. साथ ही साथ बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच ने भी HDFC बैंक पर एक रिपोर्ट जारी की है. उन्होंने खरीदारी की सलाह यहां पर दी है. लक्ष्य दिया है 1400 का. उनका मानना है कि क्वार्टर फोर में एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल रही है और खासतौर पर लोन ग्रोथ भी अनुमान के मुताबिक ही रही है. इस सेक्टर में सबसे टॉपिक में जो है वो HDFC बैंक ही है उनके हिसाब से. नोमुरा की राय है HDFC बैंक पर. खरीदारी की सलाह यहां पर भी वो बरकरार रखते हैं. लक्ष्य को यहां पर उन्होंने इम्प्रूव किया है. 1250 से बढ़ाकर 1325 किया है. उनका यह भी मानना है कि FY16 से लेकर FY18 के दौरान एनुअली अगर देखा जाए तो अर्निंग्स पर शेयर में ह्यूज अपसाइड की उम्मीद है. 22% बढ़ने की उम्मीद लगाम पर लगा रहे हैं. इसके अलावा M&M फाइनेंस के भी नतीजे आए जहां पर प्रॉफिट्स में कहीं ना कहीं 11% तक का उछाल हमने ईयर ऑन ईयर देखने को मिला. उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेज ने यहां पर पॉजिटिव व्यूज दिए हैं. क्रेडिट स्विस की अगर बात करें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को उन्होंने बरकरार रखा है. लक्ष्य को यहां पर बढ़ाया गया है. 285 से लक्ष्य को बढ़ाकर 330 किया है. साथ ही उनका मानना है फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल 17 की अगर बात करें तो यहां पर NPS की तरफ से कहीं ना कहीं कंसर्न हो सकता है.